कितने कम लोग जानते हैं। पहली औरत, मुसलमान औरत जिसने भारत का फ्लैग डिज़ाइन किया, कितने कम लोग जानते हैं कि एक औरत थी जिसका नाम था शरीफा हामिद अली, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर थी। कितने लोग जानते हैं कि एक औरत थी जिसका नाम था फातिमा इस्माइल, जिसने नेहरू से आर्ग्यू कर कर के प्राइम लैंड लिया और बच्चों के लिए पोलियो हॉस्पिटल बनाया। इन फ्रंट ऑफ अस आर 21 मुस्लिम वुमेन हु वी कॉल पाथ ब्रेकर्स। These were women who post 1947, they gave up the parda and they jumped wholeheartedly into the building of a new nation. These were the women who really were path breakers. They broke the glass ceiling, they broke the barriers and remained unknown in history. We call them unheard, unsung women. Whenever you talk of Muslim women, there is a stereotype image that rises. It is parda, burqa, chulha, char diwari, chadar, polygamy, triple talaq. Yani these stereotypes have stuck to them. And those women who are, for example, don't observe parda, you don't even think of them as Muslim women. But these were all practicing, believing, namaz padhne wali, roza rakhne wali, islam ke sare arkan ko follow karne wali ye auratein thi. Aur saath saath inhone bahar nikal ke aur pure taur se apni behno ke saath aur mazhab ki behno ke saath inhone wahi kaam kiya jo aur kar rahi thi. To wo bhi sahi hai ki wo burqe mein bhi hain, polygamy mein bhi hai, triple talaq bhi hai, magar ye aspect bhi hai. To mere khayal mein it is to enlighten the people on the contribution of Muslim women. So I think that the fault is also in the kind of projection that is done. You know, for example, a woman in 1905 wrote the first novel, jis jo ek Urdu ka novel likha 1905 mein. Bataiye, hum 2018 mein 19 mein baithe hain, to aap samjhiye kitne arse pehle unhone ye novel likha jisme reform ke bare mein kaha. और लड़कियों के रिफॉर्म, अर्ली मैरिज नहीं होनी चाहिए, तो ये बातें कितनी कम हाईलाइट होती हैं। एक तो एक जैसे लगता है कि इस्लाम और टेरर जो हैं वो आपस में सिनोनिम्स हो गए, यानी उनका मतलब ही इस्लाम मींस टेरर एंड टेरर मींस इस्लाम। तो इससे किसको फ़ायदा होता है अगर मुसलमानों को एक स्टीरियोटाइप में रखा जाए, तो उससे किसको, जो लोग आर्म्स बनाते हैं, जो लोग इसमें करोड़ों करोड़ों डॉलर्स कमाते हैं, इस्लाम को एक डिमोनाइज करने में उनका भी फ़ायदा है और मुसलमानों का भी इसमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो लोग भी एक तरह से जो कट्टरपन डेमोंस्ट्रेट करते हैं, तो उससे कोई किसी किस्म के ब्रिजेस नहीं बिल्ड हो सकते। जैसे अब आप देखते हैं जगह 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 जहाँ भी औरत का सवाल होता है, हमेशा मुसलमान देश जो हैं वहाँ कोई ना कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाती है जो एकदम से मीडिया में, भाई देखो ये तो मुसलमान है ही ऐसे, ये बात निकल के आती है। तो हम इसमें एक तरह से द वॉर मॉन्गरिंग मर्चेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, एंड द मुस्लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस कि जो इस्लाम की जो रूह थी जिसमें औरत को समानता का अधिकार दिया गया था, कितने लोग इसको समझते हैं, जानते हैं, और मुसलमान लोग कितने इस पर अमल करते हैं। जब तक जियो तुम इल्म व दानिश से रहो महरूम, यहाँ जैसी हो आई बेखबर वैसी ही जाओ बेखबर, जो इल्म मर्दों के लिए समझा गया आबे हयात, ठहरा तुम्हारे हक में वो जहरे हलाहल सर बसर। आता है वक्त इंसाफ का, नज़दीक है यौमुल हिसाब, मर्दों को देना होगा इन हक तलफियों का वाजिब।